मेरा नाम आकांक्षा गुप्ता है। मेरा TGT साइंस का इंटरव्यू था आज, और मुझसे सबसे पहले उन्होंने बोला कि इंट्रोडक्शन दें अपना, तो मैंने ब्रीफ में बोला देना है आपको, ज़्यादा डिटेल में नहीं देना है, तो मैंने ब्रीफ में दिया। फिर उन्होंने सीधे मुझे बोला कि आप टॉपिक कौन सा पढ़ाएंगे, तो मैंने बोला लाइट पढ़ाऊँगी, तो वो बोले कि बहुत लोग पढ़ा रहे हैं लाइट, कुछ अलग पढ़ाओ। तो फिर उन्होंने अपनी तरफ से एक मुझे केमिकल रिएक्शन का टॉपिक दिया था, वो मैंने थोड़ा पढ़ाया। फिर उन्होंने ज़्यादा पढ़ाने नहीं दिया, बीच में ही उसी में से क्वेश्चन वगैरह पूछने लगे। देन उसके बाद बोले बैठ जाइए आके। फिर बैठने के बाद उसी में से फिर थोड़ा डीएनए के स्ट्रक्चर और जीन क्या होता है, जीन के बारे में थोड़ा पूछा था। देन मुझसे थोड़ा NEP के बारे में ये बोला कि NEP के और पहले वाली NEP और इस वाली जो नई NEP है इसमें क्या डिफरेंस है, तो वो मैंने बताया। और फिर बस उन्होंने बोला कि आप जाएँ, हो गया आपका, इतना ही था बस। 10 या 15 मिनट तक चल रहा है सबका। या तो बस यही है कि आप अच्छे से अपना भाई डेमो वगैरह कर लें, मतलब ज़रूरी नहीं है कि वो आप मतलब जो टॉपिक तैयार करके जाएं वो लोग वही पूछें, अपना भी वो लोग दे सकते हैं। तो आप ये सोचें कि कोई भी टॉपिक हम पढ़ा लें हल्का फुल्का, तो मतलब थोड़ा बहुत नॉलेज सारे टॉपिक का रखें, तो जैसे थोड़ा बहुत तो पढ़ा ही सकें आप, बाकी ऐसा कुछ ज़्यादा है नहीं इम्पोर्ट खास, इतना ही बस मेन तो वही सब्जेक्ट से पूछ रहे हैं, बाकी ज़्यादा कुछ नहीं पूछ रहे हैं। कभी कभार एक आध मतलब NEP से थोड़ा बहुत पूछ लेते हैं, वो भी सबसे नहीं पूछते, किसी किसी से पूछते हैं, इतना ही।